आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या देश के हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आर्थिक आपातकाल लगाने की स्थिति बन जाए। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत से लोगों ने मुझे किया है और आज मैं ज्योतिष के आधार पर क्या ब्रह्मांड में ग्रहों की वो स्थिति बन रही है कि देश में आर्थिक आपातकाल लग सकता है, उस संदर्भ में मैं आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। दोस्तों, आर्थिक आपातकाल एक बहुत बड़ी घटना है। इसका अर्थ यह होता है कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास सारे वित्तीय अधिकार आ जाते हैं। वो चाहे तो सैलरियां रोक सकती है, पेंशन रोक सकती है, हमारे मौलिक अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबंध लग जाता है, बैंक विड्रॉल की भी एक सीमा तय हो सकती है। यानी एक तरीके से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार जो कदम उठाना चाहे वो उठा सकती है। इस तरह की स्थितियां इस आपातकाल में बनती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? वर्तमान स्थिति को देखें तो एक अफवाह बाजार में बहुत चल रही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है, क्योंकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अपने दम पर यह लागू नहीं कर सकती। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये राजनीतिक मैटर है और इसमें मेरा बोलना या किसी का भी बोलना ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को और पैनिक करेगी। लेकिन मैं आज ग्रहों के हिसाब से क्या स्थिति बन रही है उसके आधार पर मैं आज आपके सामने ये बात रखता हूं। दोस्तों, 25 अप्रैल को बुध मेष राशि में आए हैं, यानी 25 अप्रैल से पहले बुध मीन राशि में थे और मीन राशि में बुध सदैव नीच के होते हैं। नीच का बुध अर्थात यानी व्यापारिक काम धंधे, उन सब के अंदर अस्थिरता। यहां पर शनि खुद अपनी राशि में है, बृहस्पति नीच के हैं। ऐसे में अगर बुध भी नीच का हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या होनी चाहिए, यानी ज्ञान भी अपना कार्य नहीं कर रहा है और व्यापार भी अपना कार्य नहीं कर रहा है। बुध यानी विवेक, वो भी अपना कार्य नहीं कर रहा है, व्यापारिक गतिविधियां यहां पर बंद हैं। ये सब कुछ बुध के नीच के होने के कारण से भी जरूर हुआ है। लेकिन 25 अप्रैल को बुध यहां पर अपनी नीच की राशि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में आ गया है, और जैसे ही 25 तारीख को ये मेष राशि में आया है, यहां पर केंद्र सरकार ने भी आर्थिक गतिविधियों के बारे में सोचना आरंभ कर दिया है। लॉकडाउन के अंदर कुछ ढील देकर के उन्होंने सभी दुकानों को खोलने के आदेश भी यहां पर दिए हैं। ये बुध के नीच की स्थिति समाप्त होने का परिणाम है। अब यहां पर धीरे धीरे राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के लिए ठोस कदम उठाएंगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि बुध यहां पर अब अपना कार्य पूर्ण रूप से करने लगा है। दोस्तों, उसके बाद में 5 मई को एक घटना और होगी ब्रह्मांड में कि मंगल भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी अभी तक वो जो उच्च के थे मकर राशि में, वो अब कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो यहां पर लॉकडाउन की सख्ती पर इन सब में आपको शिथिलता देखने को मिलेगी, यानी कि जो तनाव का माहौल अभी चाइना ने क्रिएट किया है इस पर लगाम लगेगी, और साथ ही पूरी दुनिया के अंदर जो लॉकडाउन के नियमों को लेकर के सख्ती हो रही है उसमें भी थोड़ी शिथिलता यहां दी जाएगी। यानी चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया पूरे विश्व के अंदर आरंभ हो जाएगी, क्योंकि मंगल कुंभ राशि में आते ही यहां पर पुलिस प्रशासन की पकड़ ढीली जरूर होगी, यानी गतिविधियां सामान्य होने की रफ्तार भी यहां पर जरूर बढ़ेगी। दोस्तों, 9 मई को फिर एक घटना होगी, बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध के वृषभ राशि में जाने पर यहां पर काम की गति में तेजी आएगी, आपको कुछ गतिविधियां सामान्य होती हुई नजर आएंगी, यानी जो बाजार खुलेंगे उनमें भी आपको हलचल होती हुई नजर आएंगी, व्यापार होता हुआ नजर आएगा, लोगों की आपको आवाजाही सुगम होती हुई नजर आएगी, यानी काम धंधों की स्थिति कुछ हद तक पटरी पर आने लगेगी। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि सभी काम धंधे शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो काम धंधे अब यहां पर शुरू होंगे, फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्री है, या आप खनन का कार्य देख रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है,
इन सब के अंदर यहां पर कुछ सामान्य गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि बुध के वृषभ राशि में आने पर यहां पर सुख सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी होना निश्चित है। यानी जो अब तक हम प्रतिबंध देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उन पर ढील मिलेगी और हमारी सुख सुविधाओं में कुछ इजाफा जरूर होगा। यानी हमें बाहर जाने की परमिशन, घर से बाहर निकलने की परमिशन, वाहन चलाने की परमिशन, अपने ऑफिस में जाके काम करने की परमिशन, ये सब यहां पर जरूर मिलेगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति यही कह रही है। हो सकता है कि राज्य की सीमाएं ना खोली जाए लेकिन आप अपने शहर में तो घूम पाएंगे, ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही है। कुछ इलाकों को छोड़ा जा सकता है, जैसे कि जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां स्थितियां बहुत गंभीर है, उन इलाकों को छोड़ करके बाकी हिंदुस्तान के अंदर गतिविधियों को सामान्य करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे और इससे राहत भी आम जनता को जरूर मिलेगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति यही संकेत दे रही है। दोस्तों साथ ही यहां पर एक चीज को और समझने वाली बात है कि 25 अप्रैल से लेकर 9 मई तक यहां पर गोचर के अंदर एक बुध अदिति योग भी बन रहा है, यानी कि सूर्य और बुध दोनों एक ही राशि में है। यहां पर जब बुध अदिति योग बनता है तो सरकारें पूर्णतया अच्छे फैसले करती है, व्यापारिक फैसले करती है, फायदे के फैसले करती है, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के लिए फैसले लेती है। ये वो समय है जब यहां पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी आम जनता के लिए उसके आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले यहां पर वो जरूर करेंगे जिससे आम जन को राहत मिले। दोस्तों उसके बाद में 14 मई को फिर ब्रह्मांड में घटना घटित होगी कि बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे और वृषभ राशि में बुध के जाने पर यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सी जो सामान्य घटनाएं अभी तक हो रही थी काम धंधों को लेकर के, उसमें और कुछ ढील दी जाएगी। यानी कि लग्जरियस चीजें जो आप देखते हैं उनके अंदर भी व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई आपको यहां नजर आएगी। यानी कि अभी तो हम जो असेंशियल चीजें खरीद रहे हैं वो व्यापार शुरू होंगे, लेकिन 14 मई के बाद से आप इलेक्ट्रॉनिक्स या और किसी चीजों में, गारमेंट्स में या और किसी चीजों के अंदर भी, उन व्यापारों के अंदर भी आप वृद्धि होता हुआ देखेंगे। यानी उनको भी आप तेजी से सामान्य होता हुआ यहां पर देखेंगे क्योंकि बुध का वृषभ राशि में जाने का अर्थ है कि व्यापार का शुक्र के घर में आ जाना, शुक्र भोग विलासिता की वस्तु का कारक है, ऐसे में उन चीजों का व्यापार भी यहां पर आरंभ हो जाए, इसके संकेत ब्रह्मांड से हमें यहां पर जरूर मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 25 मई को बुध पुनः अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही 25 मई को ये अपनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे यहां पर आपको व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेजी से सामान्य होती हुई नजर आएंगी। यानी यहां पर बैंकिंग फाइनेंस का सेक्टर जो आप देख रहे हैं अभी बहुत परेशानी में है, वहां भी आपको सहूलियतें मिलती हुई नजर आएंगी, वहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। यानी फाइनेंस का काम भी यहां पर कुछ हद तक चलना आरंभ हो जाएगा। बैंकिंग के अंदर लेन देन, जो व्यापारिक लेन देन होते हैं वो भी बहुत तेजी से सामान्य होने लगेंगे इस घटना के घटित होने पर। यानी बुध अपनी ही राशि में होगा तो यहां पर व्यापार के अंदर बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। दोस्तों 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में चले जाएंगे और फिर वहां पर एक बुध अदिति योग का निर्माण होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 25 अप्रैल के बाद से ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनती आ रही हैं जो धीरे 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 हमारे स्थितियों को सामान्य करने की ओर इशारा कर रही है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक चीज यहां पर जरूर देखने वाली है कि जैसे ही सूर्य मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में जाएगा, जो कि 14 मई को जा रहा है, सूर्य के वृषभ राशि में जाने पर यहां पर सूर्य और शुक्र की आपस में तालमेल नहीं है क्योंकि शुक्र सौम्य ग्रह है, ठंडा प्लैनेट है और सूर्य अग्नि तत्व है, आग है। ऐसे में यहां पर यह संकेत एक जरूर मिलता है कि इस समय पर आर्थिक प्रतिबंध का कोई फैसला आ सकता है क्योंकि ये एक कारण ऐसा बन रहा है ब्रह्मांड में कि जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है उस समय पर यदि सरकारें आर्थिक आपातकाल का फैसला लेती है या सुप्रीम कोर्ट उसमें उन्हें हरी झंडी देता है तो ये यहां पर एक स्थिति ऐसी बन रही है बहुत थोड़े समय के लिए जो ये फैसला करवा सकती है। इसके अलावा कोई कारण ऐसा नहीं बन रहा है ब्रह्मांड में जो भारत सरकार को आर्थिक आपातकाल लगाने के लिए मजबूर कर रहा हो। ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल है लेकिन उसमें अनुकूलता के संकेत हमें जरूर मिल रहे हैं।
क्योंकि बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल यहां पर चल रहा है, वो नीच का होकर के बैठा है और लगभग 30 जून तक वो रहेगा। यानी अगर 30 जून तक का समय हमारा आर्थिक तौर पर सही रहा तो फिर इस आपातकाल के लगने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक चीज को और समझने वाली बात है कि यहां पर सरकारों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएसटी कलेक्शन जो हमारा 1,00,000 करोड़ का होता है वो लगभग जीरो हो गया है। ये राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी सीधा सीधा आर्थिक नुकसान है, क्योंकि अब अन्य गतिविधियां सामान्य होने पर भी ये 1,00,000 करोड़ की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती है, क्योंकि आगे व्यापार सामान्य होंगे तो हमें आगे के सेल का जीएसटी कलेक्शन सरकारों को मिलेगा। जो पीछे जा चुका है, जिस समय पर कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं हुई है, उसका जो आर्थिक नुकसान है, जीएसटी कलेक्शन का नुकसान है 1,00,000 करोड़ का, वो सीधा सीधा राज्य और केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा डेंट है और उस समय की सैलरी, पेंशन और सारे खर्चे यहां पर सरकारों को करने पड़े हैं। तो ये इतना बड़ा डेंट है जिसको भरने के लिए भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है। 1,00,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन का 1 माह का नुकसान, और यदि 3 माह अगर ऐसी स्थिति रहती है तो 3,00,000 करोड़ का नुकसान, ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों को देखना पड़ेगा कि क्या आर्थिक आपातकाल लगाने से देश की स्थिति को संभाला जा सकता है या स्थितियों को सामान्य करके देश की स्थिति को संभाला जा सकता है। इस पर गहन चिंतन विचार जरूर शुरू हो चुका है 25 अप्रैल से, ग्रहों की स्थिति यही बता रही है। और एक जो मैंने आपको परिस्थिति बताई कि सूर्य का वृषभ राशि में जाने पर यहां पर एक संकेत मिलता है कि आर्थिक आपातकाल जैसी कोई घटना घटित हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना भी बहुत कम है, लेकिन घटित हो सकती है इसके संकेत भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि ऐसी कोई घटना घटित ना हो ताकि हम सभी का जीवन सामान्य चल सके, क्योंकि अभी वैसे ही सभी लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में ये एक घटना हम सबकी कमर तोड़कर रख देगी। उम्मीद करता हूं आपको मैंने ग्रहों के आधार पर सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। धैर्य रखें और सरकार के सकारात्मक परिणामों को आप जरूर देखें और उनका सहयोग भी करें। उम्मीद करता हूं कि सरकारें संवेदना के साथ में जनता की भलाई करेगी और किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं देगी। अगले वीडियो में इससे आगे की घटना के साथ और अधिक रोचक जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।